थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ये म्यूजिक में आप क्या रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं, वो तो होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, होना ही पड़ेगा। पूछिए, क्या तारीफ करूं मैं अपने बारे में? नहीं, हेयर स्टाइल सेम ही। अगर आपने नोटिस किया, मैं आज हाफ गर्लफ्रेंड की के लिए मैं मोहित के साथ आलम किया गया था, पार्टी के लिए मैंने बाल नहीं बदले, मैं पिक्चर के लिए बदलूंगा अगर बदलूंगा, बट आई जस्ट गॉट अ ट्रिम फॉर द फिल्म, नथिंग एल्स। वो फिल्म के लिए आज की पार्टी लंबे बाल के साथ भी हो जाएगी, फिकर नहीं। आई हैव टू प्ले बास्केटबॉल प्लेयर, सो इट विल कंटिन्यू टू बी इन द टू स्टेट्स काइंड ऑफ स्पेस फॉर मी। आई विल बी एमिंग टू लुक मोर लाइक दैट बॉय दैट आई प्लेड इन टू स्टेट्स, सो लेट्स सी। आई हैव अ कपल ऑफ मंथ्स स्टिल इन हैंड, we start shooting end of May, so I have about 6 weeks. Actually, film में तो आप most wanted मुंडा बन गए, आप बहुत अंटियों के साथ नाच रहे हैं। ये जब movie अभी जो reception मिला है, किसी को चाहे कि अंटियां आपके सामने आई हैं, मतलब यार बहुत अच्छा, काश हमारा। हाँ यार, मतलब देखिए, actor का actor के लिए मजेदार चीज यही होती है, you have all age groups coming to you and talking. Obviously, हमारा connect youth के साथ ज़्यादा होता है, because of the kind of films we've done. To be able to bring housewives, homemakers out, they rarely come out. वो साल में दो या तीन बड़ी पिक्चरें जो होती है बस वही देखने आते हैं। To come out and appreciate our film, which has been tremendously appreciated by women. Even men have liked it, but women have genuinely related to the film. They've loved the character. So जब that kind of connect you get and people come up to you and say, we wish we met a boy like this, और हमारी बेटी से शादी वादी कर लो, तो अच्छा लगता है, but थोड़ा डर भी लगता है। नहीं, काफ़ी लोग जो है मेरे करियर के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। अब अच्छा आपने पूछ लिया, मैं कहना चाहता हूँ मैं सिर्फ एक ही फिल्म पर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, और मैं कोई फिल्म पर काम नहीं कर रहा हूँ। नहीं यार, ये अभी मैं इसका जवाब काफ़ी बार दे चुका हूँ। आई डिडंट नो हाउ डिफिकल्ट इज टू बी अ होममेकर। जब फिल्म की तो ऑटोमेटिकली आप समझते हो कि घर पे सबसे पहले जागना पड़ता है अगर आप घर संभालते हो, और सबसे आखिर में सोना पड़ता है, यानी कि आपका 9 to 5 नहीं, जैसे आप सबका फुल टाइम जॉब है वैसे एक होम मेकर का भी फुल टाइम जॉब होता है। सो या आई रियलाइज दैट व्हेन आई डिड द फिल्म। जी नहीं, आप लिख दीजिए स्क्रिप्ट, बेशक कर लेंगे। एक्टर का काम होता है फिल्म को स्क्रिप्ट का परखना, कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है। जब कास्टिंग सही पड़ती है तो उसका श्रेय डायरेक्टर को जाना चाहिए। मैं उन्हें हमेशा से पसंद करता हूँ बिकॉज वो बहुत ही अच्छी कलाकार है, एंड येट अगेन इन दिस फिल्म शी इज प्रूव दैट शी इज सच एन एसेट टू अ फिल्म। सो आई विल लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर, बट इट शुड कम फ्रॉम अ डायरेक्टर। सी, एक्टर्स आर सपोज टू बी एबल टू बी मैलियबल एनफ टू वर्क विद एवरीबडी, डू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स। I've been very lucky that I work with very unique co-stars in every film, and I hope that continues to work with all of them and even newer actors. She's an amazing co-actor. I think my performance is, I give 50% credit to her and 50% to Balki Sadara. Those are the two people that define my performance. So anybody who likes my work, I owe it to Kareena and Balki Sadara. Do you see a sequel of Kareena? हाँ, अच्छा था यार, it was very nice to be part of something prestigious to represent our country. Very simple, very sophisticated, very classy, so it was a nice time, and good to see so many different people from different walks of life are successful and to be considered successful in a whole. Sir, ki aa rahi hai aapki They want us to do a sequel to Kiyanka and they want to know if I'll work with you again. अब तो इन्होंने हिट भी दिया, अभी आप पूछ लो इनसे। मैंने बोला मैं तो ये हमारे साथ काम करेंगे या नहीं? Impossible. नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा यही मिला कि बहुत अनबिलीवेबल कैरेक्टर है। सो अगर लोग बोले अरे यार ये लगता है कि काश ऐसे कोई मिल जाए, या अरे ये बंदा बहुत अच्छा है, तो यू फील आई हैव मेड द कैरेक्टर रिलेटेबल। दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट व्हाट एवरीबॉडी टोल्ड मी। एंड एनीवे यू आर अ लेडीज मैन। हैव यू डैड सीन द फिल्म? हैव यू डैड सीन द फिल्म? या ही सॉ इट 2 मंथ्स बैक। ही सॉ इट मच बिफोर। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु सॉ द फिल्म एक्चुअली। एंड ही कॉल्ड मी एंड ही कॉल्ड हर
he saw it very long back and he was very very confident about the film. The odds were stacked against the film at that point. It's a very unique film, it's a very different concept, it could have gone haywire, but he had this strange belief and faith that the film will work, and hai wo father ka impulse hai nikla isme. क्या जी सौ करोड़ कोई आंकड़ा नहीं है फिल्म के नतीजे के लिए? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस फिल्म को अगर याद रखे तो फिल्म हिट होती है, ना कि कोई आंकड़े से. अगर आप याद करना चाहे तो जो आपको पिक्चरें पसंद आती है, आप ये नहीं सोचते उसने 150 करोड़ किए थे तो मुझे बहुत पसंद है. आपको पिक्चर पिक्चर के लिए पसंद आती है. मेरे लिए अगर आप मैं अपने करियर की बात करूँ तो आई लव इशक जादे एज मच एज आई लव टू स्टेट्स. आई एम नॉट जजिंग टू स्टेट्स टू बी हायर बिकॉज इट डिड मोर मनी देन इशक जादे. एंड आई डोंट थिंक ऑडियंस भी वैसे परखती है. साल भर के बाद किसको याद रहता है कौन सी पिक्चर ने कितना धंधा किया था? पिक्चर याद रहती है जो इमोशन का. मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया आपने? मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया आपने? The nation wants to know why was it आया. You were there, Arjun was there. मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने पहले बोला ना आपको मैं बहुत बिजी हूँ. पहले मैं पहले वो रॉयल्टी को मिलने गया था, फिर ये रॉयल्टी को मिलना है. नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों होगा? मैंने कोई जुर्म किया है? मैंने कोई काइंड या कलेश किया है? चलिए उसके बारे में बहुत जल्द बात. किसके बारे में? उल्टा पंजाब. उल्टा पंजाब मैं बात कर सकता हूँ वो बिल्कुल. सर बोलिए ना, उसका वोट लुक आ गया. अभी सर बोलिए बोलिए. आपके जेंडर में, आपके राइट जेंडर, आपके लेफ्ट, आपके लेफ्ट, वो जैसे शादी के रिसेप्शन पे खड़े होते वैसा. सर देना पड़ेगा ना सर. अर्जुन अर्जुन बोलो के एटीट्यूड दिखा रहे सच में ऐसा लग रहा है अभी इंटरोगेशन शुरू हो गए. थैंक यू कांग्रेचुलेशन.